दीपावली का समय नजदीक आ गया है। इसके साथ ही कोल्हान के विभिन्न जिलों में अब बंगाल और झारखंड से टेराकोटा के सामानों के साथ मिट्टी के फैंसी सामान, दिवाली में घर के सजावट के सामान, स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित मिट्टी के सामान से बाजार सज गया है। ये सभी सामान चाइना के सामानों को भी मात देने वाला सामान बन गया है। कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर के सड़कों पर मिट्टी के सामानों के साथ बैठा कुंभकार और प्रजापति परिवार द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि चाइना के सामानों से आप दूर रहें। यह कुछ समय के लिए आपको अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन जितना खूबसूरत और मजबूत हमारा मिट्टी का सामान होता है, इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। इन सामानों में कई वॉल हैंगिंग है, कई फैंसी दीपक हैं जिसको दिवाली के बाद भी घर की शोभा के लिए रखा जा सकता है, जो बाजारों में दीपावली के समय ही उपलब्ध रहता है। सूत्रधार परिवार के कमल महानंदा ने बताया कि हम बोकारो जिला से हैं, हमारे पास दिवाली का घर का फैंसी सामानों की हैंगिंग के लिए खूबसूरत सामान है, जिसकी मांग दिवाली में काफ़ी होती है। सुनीता देवी ने बताया कि हमें पूरे साल का इंतज़ार रहता है कि कब दिवाली आए और हम खूबसूरत सामान हमें देखने को मिले। यह चाइना के सामानों से काफ़ी अच्छा होता है। मेरा नाम है कमल कुंभकार। कहाँ से आप लोग आए? बोकारो से है। ये क्या है? ये मिट्टी का घर कुंडा है, जो दिवाली में हम लोग बचपन में जो ईटा का घर बनाता है, इसलिए सोचा कि हम मिट्टी का घर बनाएगा तो हम लोग का अच्छा बिक्री होगा, इसीलिए हम लोग मिट्टी का घर बनाने के लिए सेट कर लिए। कितने आदमी आप लोग आए? मेरा आदमी अनुभव में 100 आदमी बनाते हैं हम लोग। कितने दिन लगता है बनाने में? बनाने में हम 6 महीने पहले से तैयारी करता है। मिट्टी उपलब्ध होता है? हाँ, मिट्टी मिलता है, नदी किनारे वाला मिट्टी मिलता है। मिट्टी क्या कीमत रखते हैं इसका? देखिए, बड़ा बड़ा का 400 से स्टार्ट है, 400, 200, 250, 300। क्या उम्मीद है कि बिकेगा? हाँ, बिक जाएगा। जमशेदपुर वाला आइए, हमसे लीजिए मिट्टी का घर कुंडा लीजिए। मिट्टी का घर कुंडा होता शुभ होता है, इस तरह के ले लीजिए। बनाने में कितना कठिनाई आती है? हाँ, हाथ से बनाने में कितना कठिनाई आती है? हाथ से बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेहनत लगने पर क्या करेंगे, हम दिवाली है, एक साल भी बनाते हैं। हमको दर्शाता है दिवाली वगैरह, इसी बहाने गांव कुमारों को इसी बहाने रोजगार मिलेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस तरह की हमारी कला बनी रहे और इन सब भाइयों की भी कला की कीमत पता चले। और मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब ये होता जा रहा है, मगर इस मिट्टी से हमको जुड़े रहना चाहिए और इसी प्रकार हम लोग को अपना कल्चर बना के रखना।